हाय गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोगों में से सभी लोग ये मानेंगे कि डेटा साइंस एक बहुत डिफिकल्ट फील्ड है, इसको मास्टर कर पाना बहुत डिफिकल्ट काम है। बट गेस व्हाट, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन लोगों ने इस फील्ड को इन एंड आउट मास्टर कर लिया है, उनको ऑलमोस्ट सब कुछ आता है अब डेटा साइंस की फील्ड में। बट अनफॉर्चुनेटली इनमें से बहुत सारे लोग वीडियो पे आके अपना नॉलेज शेयर नहीं करना चाहते, दे आर नॉट कंफर्टेबल, या फिर एक पेड कोर्स नहीं बना पाए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। बट ओवर द इयर्स मैंने एक चीज नोटिस की है कि ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, ये लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, ये अपने लर्निंग को डॉक्यूमेंट करने के लिए ब्लॉग्स यूज करते हैं। और ये ऐसे ब्लॉग्स हैं ना जिनका कंपैरिजन आप किसी यूट्यूब वीडियो या फिर किसी पेड कोर्स से नहीं कर सकते। जिस तरीके से ये ब्लॉग्स कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, मैंने नहीं देखा किसी वीडियो को क्लियर करते हुए। अब मैंने डिसाइड किया है इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने फेवरेट 10 ब्लॉग्स शेयर करूंगा जिन्होंने मुझे हेल्प किया डेटा साइंस सीखने के प्रोसेस में, और मुझे लगता है कि वो आपको भी बहुत हेल्प करेंगे डेटा साइंस सीखने में। अब ये जो 10 ब्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनमें से इनका अप्रोच अलग अलग है। कुछ ब्लॉग्स बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही टेक हैवी हैं, कुछ ब्लॉग्स ऐसे हैं जो बिजनेस साइड दिखाएंगे आपको डेटा साइंस का, कुछ ब्रेथ हैवी हैं, कुछ डेप्थ हैवी हैं। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये मेरा ज़्यादा फेवरेट है, ये मेरा कम फेवरेट है। इन सभी ने किसी ना किसी पॉइंट पे मुझे हेल्प किया डेटा साइंस सीखने में, समझने में। सो मैं आपको एक एक करके इन सारे ब्लॉग्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ब्लॉग, इट्स medium.com। आई गेस आपको medium.com के बारे में ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको वन लाइन इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। medium.com इज लाइक यूट्यूब फॉर ब्लॉग्स, ठीक है? यहाँ पर कोई भी कॉन्टेंट क्रिएटर आकर के अपने ब्लॉग्स लिख सकता है, और सामने बहुत सारी ऑडियंस है जिसके सामने आप अपने ब्लॉग को रख सकते हो। सेम वही मेट्रिक्स हैं, लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अब ओवर द ईयर्स मैंने क्या नोटिस किया है कि यहाँ पर डेटा साइंस रिलेटेड आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप इस URL पे जाओ medium.com/tag/data-science, इनफैक्ट नॉट ओनली डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI, पाइथन, डीप लर्निंग, इनमें से अगर आप किसी भी टैग के ऊपर जाओगे यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स, ठीक है? बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट जो लोग उतने कंफर्टेबल नहीं है यूट्यूब पे वीडियोज बनाने में, वो लोग आकर के ब्लॉग के फॉर्म में अपनी लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट करते हैं, और इसीलिए पिछले 3-4 सालों में यहाँ पे लाइक लाखों ब्लॉग्स आ गए हैं ऑन डेटा साइंस, ठीक है? तो अगर आप इन टैग्स को जाकर के स्क्रॉल करो तो यू वुड फाइंड अ लॉट ऑफ गुड ब्लॉग्स, ठीक है? यहाँ पर आपके पास अलग अलग फिल्टर्स हैं, ट्रेंडिंग, लेटेस्ट, बेस्ट, और इससे फिल्टर करके आपके पास जो बेस्ट ब्लॉग्स हैं वो आप निकाल सकते हो। एंड ओवर द ईयर्स मुझे कई ऐसे ब्लॉग्स मिले जो कि बहुत ही शानदार थे, मतलब इतने शानदार कि कोई YouTube वीडियोस को टक्कर ना दे पाए और किसी कोर्स में मुझे ऐसा कंटेंट ना मिल पाए, ठीक है? अब द ओनली प्रॉब्लम विथ medium.com इज कि ये एक समुंदर की तरह है, बहुत सारा कंटेंट है, तो समझ में नहीं आता कि कौन सा कंटेंट सबसे अच्छा है, ठीक है? तो मैं आपको अपने नॉलेज के बेसिस पे 3-4 पब्लिकेशंस सजेस्ट कर रहा हूँ। सो medium.com पे पब्लिकेशंस होते हैं, जैसे यूट्यूब पे चैनल होता है वैसे ही medium.com पे पब्लिकेशन होता है। सबसे फेमस जो पब्लिकेशन है वो है टुवर्ड्स डेटा साइंस। अगर आपने एक महीने भी डेटा साइंस में काम किया होगा तो आपने टुवर्ड्स डेटा साइंस का कोई ना कोई ब्लॉग जरूर पढ़ा होगा, ठीक है? इसमें बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, और ये बहुत ही ब्रेथ हैवी काइंड ऑफ ब्लॉग है। आपको हर टॉपिक के ऊपर ब्लॉग मिल ही जाएगा, और कुछ ब्लॉग्स तो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है? सेकेंड जो थोड़ा अच्छा है वो है डेटा ड्रिवन इन्वेस्टर। अब यहाँ पे आपको नॉट ओनली डेवलपमेंट टाइप के ब्लॉग्स मिलते हैं, बट बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या है डेटा साइंस का, उसके ऊपर भी आपको ब्लॉग्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ अच्छे आर्टिकल्स और ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? थर्ड वन इज बिकमिंग ह्यूमन, ये भी बहुत बढ़िया है, और ये अगेन प्रैक्टिकल साइड पे है, मतलब यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह बहुत मिलेंगे, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो। फोर्थ एक इंडिविजुअल ब्लॉगर है सुजन ली, मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ लास्ट 3 साल से, और ये बहुत बढ़िया ब्लॉग्स लिखती हैं। ये डेटा साइंटिस्ट हैं कनाडा में, और हर वीक इनका वीकली ब्लॉग आता है, और मैं 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और इन्होंने
हर टॉपिक के ऊपर लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। लाइक अगर आप प्रोजेक्ट्स के लिए ब्लॉग खोज रहे हो तो शी इज द वन, मतलब इनके पास ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट के ऊपर ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, और आप इनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर वन जो मेरा सजेशन होगा वो है medium.com, जिसमें आप पब्लिकेशंस खोज सकते हो अपने लिए। नेक्स्ट इज एनालिटिक्स विद्या। सो एनालिटिक्स विद्या इज अ कंपनी बेस्ड आउट इन इंडिया, आई गेस दिल्ली में, और इनका जो ब्लॉग है वो बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट ये वेबसाइट ब्लॉग से ही स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे इन लोगों ने और फीचर्स ऐड किए, लाइक ये कोर्सेज कराने लग गए और हैकाथॉन्स वगैरह कराने लग गए, कॉम्पिटिशन्स कराने लग गए, बट अभी भी जो इनका सबसे स्ट्रांग फीचर है जिसकी वजह से इनको जाना जाता है वो है इनका ब्लॉग। तो अगर आप इस यूआरएल पर हिट करो इनके सारे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे। और इनकी अच्छी बात क्या है कि ये बहुत प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल बेस्ड आपको ब्लॉग्स यहाँ पे मिलेंगे। लिखता कौन है? जो पहले से डेटा साइंटिस्ट हैं इंडिया में। तो एक और अच्छी चीज़ क्या कर सकते हो आप कि अगर आप इनके ऑथर से चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो लोग अपना लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है कुछ रियल डेटा साइंटिस्ट से बात करने का भी, ठीक है। तो ब्लॉग्स तो अच्छे हैं ही, आपको कुछ कनेक्शंस भी मिल सकते हैं जो आपको आगे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज माई सेकेंड चॉइस। थर्ड वन इज अगेन अ वेरी गुड ब्लॉग, इसका नाम है मशीन लर्निंग मास्टरी। अब ये इस बंदे का ब्लॉग है, जेसन ब्राउनली, ही इज अ PhD इन मशीन लर्निंग, और ये भी बहुत वाइड एक्सपेंसिव ब्लॉग है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है। तो द गुड पार्ट अबाउट दिस ब्लॉग इज कि ये ब्लॉग इस तरीके से लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स को थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, आपके ऊपर बहुत मैथमेटिकल डिटेल्स नहीं डालते हुए, बहुत प्रैक्टिकली किसी लाइब्रेरी को, किसी एल्गोरिदम को कैसे यूज करना है वो इस ब्लॉग में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जो मैंने बहुत फॉलो किए थे जब मैं सीख रहा था वो है डीप लर्निंग, NLP, और ये ऑनसॉम्बल लर्निंग, और आई गेस टाइम सीरीज का भी यहाँ पे था, हाँ, ये इंट्रोडक्शन टू टाइम सीरीज। इनके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया अलग अलग एग्जाम्पल्स बना के ब्लॉग बनाए हुए हैं, आप ये वेबसाइट एक बार जरूर चेकआउट करना, ठीक है। तो ये तो हो गई दो तीन ऐसी वेबसाइट जिसमें बहुत वाइड वैरायटी का आपको कंटेंट मिल जाएगा। अब मैं आपको कुछ हिडन जेम्स दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसी वेबसाइट जो उतनी फेमस नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्टेंट नहीं है, बट कुछ ही ब्लॉग्स हैं, बट वो बहुत फाड़ ब्लॉग्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहली वेबसाइट या ब्लॉग बोल सकते हो वो है कोलाज ब्लॉग। सो एक्चुअली इस बंदे का नाम क्रिस ओला है और ही इज करेंटली वर्किंग एट, मतलब अभी तो नहीं पता कहाँ काम कर रहे, बट पास्ट में दिस गाय वॉज वर्किंग इन गूगल ब्रेन। तो इस बंदे के ब्लॉग में आपको सबसे अच्छी चीज जो मिलेगी वो ये है कि बहुत कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स होते हैं ना उनको विजुलाइज करने कैसे किया जाता है उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हैं, ठीक है। स्पेशली जब मैंने फर्स्ट टाइम इनका एक ब्लॉग पढ़ा था, दैट वॉज दिस विजुलाइजिंग एमनिस्ट, ये ब्लॉग मैंने पढ़ा था सबसे पहले, और इसमें इन्होंने एमनिस्ट वाले डेटा सेट को विजुलाइज करके दिखाया था यूजिंग PCA टीस्ने टाइप के एल्गोरिदम्स, ठीक है, इस तरह के विजुलाइजेशन ये देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने और कुछ ब्लॉग्स ऐड किए जो डीप लर्निंग बेस्ड हैं। तो डीप लर्निंग बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वो कैसे काम करता है किसी को समझ नहीं है, तो इस ब्लॉग में आपको इस तरह के आर्टिकल्स मिलेंगे कि डीप लर्निंग कैसे काम करता है ये विजुलाइज करके दिखाया है, ठीक है। तो दिस ब्लॉग इज मोस्टली अबाउट विजुलाइजिंग डिफिकल्ट थिंग्स विच इज नॉट पॉसिबल, लाइक विच इज नॉट ईजिली पॉसिबल, ठीक है। तो ये एक ब्लॉग है जो आप देख सकते हो, और ये ब्लॉग्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, मतलब ये एकदम हार्ड कोर टेक्निकल ब्लॉग्स हैं जहाँ पे कई बार आपको ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है और आपको दो तीन बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्लॉग है वो एक और बंदा है, एंड्रिज कार्पथी बोल के, अगेन ही इज अ रिसर्चर, करेंटली ही इज द हेड ऑफ टेस्ला, टेस्ला में जो AI होता है उसके हेड है ये, और इन्होंने ज्यादा ब्लॉग्स नहीं लिखे, सिर्फ तीन चार ब्लॉग्स लिखे हैं और मैंने जो भी थे पढ़ लिए, बट बहुत ही सही, लाइक ही इज वन ऑफ द लीड पर्सनैलिटीज इन AI एंड डेटा साइंस। तो ये जो भी लिख रहा है ना वो दुनिया में एक्चुअली होगा फ्यूचर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप सेलिब्रिटी बोल सकते हो डेटा साइंस का। तो एक ये ब्लॉग बहुत अच्छा है, पीक एट ट्रेंड्स इन गूगल मशीन लर्निंग, ये वाला भी बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर 2.0 की फ्यूचर के सॉफ्टवेयर में क्या इंप्रूवमेंट्स होंगे, क्या चेंजेस होंगे। और एक और ब्लॉग इन्होंने लिखा है जो टेक्निकल है थोड़ा सा,
वो है बैक प्रोपगेशन के ऊपर। अगर आप डीप लर्निंग जानते हो तो बैक प्रोपगेशन एक बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है समझने में, उसके ऊपर इन्होंने बहुत बढ़िया ब्लॉग लिखा है। ठीक है, तो ज्यादा ब्लॉग्स नहीं है, चार पांच ही हैं, लेकिन जो भी है पढ़ने लायक है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रास्क। सो एंड्रयू ट्रास्क जो बंदा है, ये इन्होंने एक बुक लिखी है ग्रॉकिंग डीप लर्निंग, ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया बुक है डीप लर्निंग के लिए। उन्हीं का ये ब्लॉग है और इस ब्लॉग में आपको दोनों चीजें मिलेंगी। यहाँ पे आपको मशीन लर्निंग के भी कुछ ब्लॉग्स मिलेंगे और ज्यादातर ब्लॉग्स जो है वो डीप लर्निंग के ऊपर है, बट अच्छे ब्लॉग्स हैं। ठीक है, आप एक बार ये भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज डिस्टिल, डिस्टिल डॉट पब। सो अगेन, ये कुछ लोगों ने मिल करके ये वेबसाइट बनाई है जो खुद में बहुत लीडिंग पर्सनैलिटीज हैं। सो क्रिस ओला, जिनका ब्लॉग मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, योशुआ बेंजियो, यान गिट फेलो, ये सब बहुत लीडिंग पर्सनैलिटीज हैं। आंद्रेज कारपथी, ये सब लीडिंग पर्सनैलिटीज हैं। इन लोगों ने ये वेबसाइट इसलिए बनाया क्योंकि इनका इनको हमेशा एक चीज से प्रॉब्लम होती थी कि डिफिकल्ट चीजों को हम मशीन लर्निंग डेटा साइंस में विजुलाइज नहीं कर पाते। तो इन्होंने इसको एज अ चैलेंज लिया और इस तरह के ब्लॉग्स बनाए कि जो भी डीप लर्निंग देखता है या फिर डिफिकल्ट एल्गोरिदम्स जो भी देख पाते हैं वो विजुअलाइजेशन के थ्रू हमें दिखाएं। ठीक है, तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉग है, जो सबसे फेमस ब्लॉग है, वो है सेकेंड लास्ट वाला, कि टीसने काम कैसे करता है। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया ब्लॉग है जहाँ पे इन्होंने जावास्क्रिप्ट बेस्ड कुछ टूल्स दिए हैं जिनको यूज करके आप टीसने कैसे काम करता है वो पूरा समझ सकते हो। ठीक है, और इसी तरह के और ब्लॉग्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ऑन दिस वाई मोमेंटम रियली वर्क्स, अगेन ये आपका डीप लर्निंग बेस्ड है, फीचर विजुअलाइजेशन, हाउ न्यूरल नेटवर्क बिल्ड अप देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमेजेस, इस तरह के आपको ब्लॉग्स मिलेंगे। ठीक है, अगेन इट इज वेरी टेक्निकल बट बहुत ही इंटरेस्टिंग, और अगर आप एक दो बार पढ़ो तो आपका नॉलेज लाइक बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेबास्टियन रूडर। ठीक है, ये बंदा एक रिसर्च साइंटिस्ट है डीप माइंड में और ये एनएलपी के ऊपर बहुत लिखता है। ठीक है, एनएलपी स्पेसिफिक ब्लॉग है ये, और इसके कुछ ब्लॉग्स लाइक बहुत सही हैं, बहुत फाड़ है। मैं आपको एक दो ब्लॉग्स बताता हूँ, जैसे कि सबसे अच्छा जो मुझे ब्लॉग्स लगे थे वो थे ये, व्हाई यू शुड डू एनएलपी बियॉन्ड इंग्लिश, और लैंग्वेजेस में क्यों काम करना चाहिए, 10 टिप्स फॉर रीस, नहीं ये नहीं, 10 ML, नहीं ये भी नहीं, या द करेंट द स्टेट ऑफ ट्रांसफर लर्निंग इन एनएलपी, ये एक अच्छा ब्लॉग है। और एक और अच्छा ब्लॉग जो है वो ये है, द 4 बिगेस्ट ओपन प्रॉब्लम्स इन एनएलपी और 10 एक्साइटिंग आइडियाज, ये थोड़ा पुराना है ऑल दो। और एक और जो मुझे चाहिए था वो मिल नहीं रहा, या दिस वन, ये एक बहुत बढ़िया ब्लॉग है, एनएलपीज इमेज नेट मोमेंट हैज अराइव्ड। ये ब्लॉग आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए अगर आप एनएलपी में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, बंदे ने अपना पूरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बताया है कि अब एनएलपी भी उस जगह पे पहुंच चुकी है जहां पे कुछ दिन पहले तक ये सब था, कंप्यूटर विजन। ठीक है, और कुछ सालों में ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड बन जाएगी कंप्यूटर साइंस में। तो ये तीन चार ब्लॉग्स इस वेबसाइट पे बहुत सही हैं, अगेन आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, द सेकेंड लास्ट ब्लॉग इज एक्सप्लेन डॉट ए, टेरेंस पार बोल के एक बंदा है, उन्होंने ये ब्लॉग बनाया है। अगेन इसमें भी ज्यादा आर्टिकल्स और ब्लॉग्स नहीं है बट जो भी हैं बहुत सही हैं। मैं आपको अपना पर्सनल फेवरेट बताता हूँ, ये वाला शायद मैंने थोड़ा पढ़ा है, मुझे बहुत समझ में नहीं आया बट ये अच्छा है, ये मैंने बहुत फॉलो किया है, अ विजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेगुलराइजेशन फॉर लीनियर मॉडल। सो मुझे रेगुलराइजेशन ठीक से समझ में नहीं आता था, इस ब्लॉग को पढ़ने के बाद मुझे अच्छे से समझ में आने लगा है। इनफैक्ट अगर आपने मेरा प्लेलिस्ट देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा ये वाला डायग्राम मैंने रेगुलराइजेशन पढ़ाने के लिए यूज भी किया है। ठीक है, उसके बाद हाउ टू विजुलाइज डिसीजन ट्री, इन लोगों ने एक लाइब्रेरी बनाई है डिसीजन ट्री को विजुलाइज करने के लिए, उसके ऊपर इन्होंने एक बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा है। और इनका जो बेस्ट ब्लॉग है वो है ग्रेडियंट बूस्टिंग के ऊपर। ठीक है, इन्होंने 3 ब्लॉग्स लिखे हैं, हाउ टू एक्सप्लेन ग्रेडियंट बूस्टिंग, इसके अंदर में 3 और ब्लॉग्स है, वो आप अगर पढ़ोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत डिफिकल्ट है, आपको 3 4 बार पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप समझ पाए तो आपको ग्रेडियंट बूस्टिंग और बूस्टिंग का इन जनरल जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत टॉप ब्लॉग है। और लास्टली देर इज दिस गाय कॉल्ड सेबास्टियन राश का। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है पाइथन मशीन लर्निंग, और इन्होंने एक लाइब्रेरी भी लिखी है एमएल एक्सटेंड बोल के। ठीक है, ये बुक है इनकी और एक लाइब्रेरी है एमएल एक्सटेंड बोल के, जो मैंने कभी कभी अपने वीडियोस में यूज भी किया है, दिस इज द लाइब्रेरी, इसके ऑथर है वो, और इनका ये ब्लॉग है। अब देखने में बहुत ही डल और बोरिंग लग रहा है
बट यहाँ पे आपको कुछ हिडन जेम्स मिल सकते हैं। ये मशीन लर्निंग के ऊपर ज्यादा लिखते हैं, डीप लर्निंग के ऊपर कम लिखते हैं। सो इनके कुछ मशीन लर्निंग के जो ब्लॉग्स हैं वो आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर कर देंगे, स्पेशली अबाउट मॉडल इवैल्यूएशन, मॉडल सेलेक्शन और आपका फीचर सेलेक्शन वगैरह जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर इनके कुछ बहुत बढ़िया ब्लॉग्स आपको इनके ब्लॉग पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये टॉप 10 ब्लॉग्स हैं जो मैंने बहुत फॉलो किया अपनी जर्नी में और मैंने आपको बता दिया। ये सारे ब्लॉग्स का लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट आप तुरंत क्लिक करके पहुंच पाओ इन URLs पे। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। अब आपका काम है कमेंट में आपको लिख के बताना है कि इन 10 ब्लॉग्स के अलावा अगर आपको किसी और ब्लॉग पोस्ट के बारे में पता है जो आपको लगता है सभी को हेल्प कर सकता है, उसका नाम आप लिख के बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।